अगर आपके मोर्फो का रिचार्ज खत्म हो चुका है, यानी कि आपकी मोर्फो आईडी सर्विस खत्म हो चुकी है और आप अपने मोर्फो को रिचार्ज करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही अपने मोर्फो की आईडी सर्विस को रिचार्ज घर बैठे ही कैसे कर सकते हैं और कितना पेमेंट आपको रिचार्ज करने में लगने वाला है और किस प्रकार से आप रिचार्ज करेंगे, इसकी कंप्लीट प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। मोर्फो आरडी सर्विस रिचार्ज करने के लिए आपको rdservicesonline.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए आप देखेंगे बायोमेट्रिक डिवाइस सर्टिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिचार्ज का यहाँ पे रिन्यू आरडी सर्विस का जो ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे स्टेप टू परचेस आरडी सर्विस। यहाँ पे तीन स्टेप को आपको फॉलो करना होगा आपके रिचार्ज परचेस करने के लिए। उसके लिए आपको नीचे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप तो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्विस वैलिडिटी ईयर, यानी कि यहाँ पे आपको कितने ईयर का आप यहाँ पे आईडी सर्विस का रिचार्ज करना चाहते हैं, कितने सर्विस के लिए आप यहाँ पे वैलिडिटी लेना चाहते हैं। एक ईयर, वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर तक यहाँ पे आप कर सकते हैं। सिंपली हम वन ईयर यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद क्वान्टिटी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ आप जब यहाँ पे देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा। आप आरडी सर्विस का परचेस कर रहे हैं नीचे, तो आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे डिवाइस सीरियल नंबर। सिंपली यहाँ पे आपको डिवाइस सीरियल नंबर का जो ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपके डिवाइस के पीछे जो सीरियल नंबर होते हैं वो सीरियल नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देने हैं। मोर्फो आईडी सर्विस के पीछे जो सीरियल नंबर होते हैं उनको एंटर कर देना है। सीरियल नंबर जब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप एंटर करते ही आपके नंबर अगर सही होंगे तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर वैलिड करके आपको दिखाई देगा। और उसके बाद आपको सीरियल डिवाइस नंबर, यानी आपका जो भी डिवाइस है, यानी कि E2 है, E3 है, तो वो आपको यहाँ पे मोर्फो का सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आपको व्यू कार्ड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो 375 रुपये यहाँ पे आपका लगने वाला है, आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। और चेकआउट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग अकाउंट और न्यू यूजर अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो हम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं। साइन इन पे जैसे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे तो हमारा यहाँ पे पहले से ही हमने पहले रिचार्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है, जिसमें यहाँ पे हमारा बिलिंग एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ यहाँ पे आपको एड्रेस, फुल एड्रेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपका मोबाइल नंबर, नेम, सारा कुछ यहाँ पे आपका बिलिंग एड्रेस रहेगा। नीचे आपको पिन कोड और आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, आपका सिटी फिल कर लेना है। सिंपली हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, आपका स्टेट दिखाई देगा और नीचे आपको कंटिन्यू टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाले पेज पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपका GST प्लस जोड़ के 442 रुपये आपका कटने वाला है, जो कि वन ईयर का मोर्फो आरडी सर्विस है। उसके लिए आपको कंप्लीट ऑर्डर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप पेमेंट किस मेथड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या UPI, या EMI, या वॉलेट, या व्हाट्सअप, या पेटीएम, तो सिंपली हम यहाँ पे UPI से करने वाले हैं। तो फ़ोनपे का ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारा जो UPI आईडी है, यानी कि वो यहाँ पे हम फिल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे UPI से पेमेंट करने वाले हैं। UPI चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे हम प्रोसेस के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर यहाँ पे UPI के माध्यम से प्रोसेस होगा पेमेंट, और हमें वहाँ पे मोबाइल से कंफर्मेशन देना होगा पेमेंट का। जैसे पेमेंट का कंफर्मेशन देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, मोर्फो फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक स्कैनर विथ UID, और थैंक यू करके यहाँ पे हमें दिखाई देगा और एक रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। एक रिसिप्ट आपकी ईमेल आईडी पे भी चली जाएगी और आपका मोर्फो का रिचार्ज यहाँ पे वन ईयर के लिए रिचार्ज हो जाएगा। तो आप इस रिसिप्ट को संभाल के रख सकते हैं, इसका फोटो भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप वन ईयर के लिए यहाँ पे मोर्फो आरडी सर्विस का रिचार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पूर्ण फॉर्म को फिल करना है, बारीकी से आपको देखना है आपका सीरियल नंबर गलत ना हो, ताकि रिचार्ज दूसरे नंबर पे ना हो। रिचार्ज करने के बाद आप अपनी मोर्फो आरडी सर्विस की उस वेबसाइट पे आकर अपना सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करके चेकआउट भी कर सकते हैं कि आपने जो रिचार्ज किया है क्या वन ईयर के लिए आगे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर फिल कर लेते हैं।
फिल करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं हमारा यहाँ पे वैलिडिटी 1 ईयर और आगे बढ़ चुका है। अब हम मोर्फो को यहाँ पे हमारा रिचार्ज खत्म हो चुका था, अब हम यहाँ पे उस मोर्फो को आगे भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोर्फो आर्य सर्विस का रिचार्ज घर बैठे ही कर सकते हैं।